नमस्कार, NP24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। छपारा पुलिस ने चंद घंटों में सुलझाई हत्या की गुत्थी। सिवनी जिले के छपारा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम खापा में कल वसीम की लाश बजरू किसान की बाड़ी में मिली थी, जिसकी सूचना मिलने पर छपारा पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। थाना छपारा प्रभारी राजेंद्र के ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हत्या में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी जानकारी लखनादौन SDOP अरविंद श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक वसीम का आरोपी की बहन के साथ प्रेम संबंध था, जिससे आक्रोशित होकर आरोपी कल्लू ने अपने छोटे भाई जितेंद्र व शैलेंद्र के साथ बहन के कमरे में ही पीट पीट कर वसीम को मौत के घाट उतार दिया और शव को गांव के ही बजरू नामक किसान के खेत में फेंक दिया। जानकारी के मुताबिक हत्या में शामिल एक महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 302, 201 और 34 के तहत मामला कायम किया। आइए देखते हैं अरविंद श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। एक लाठी बरामद हुई है और हत्या के पहले जो मोबाइल में बातचीत हुई है उसके रिकॉर्ड हमारे पास में है, उसके सीरियल निकलवा लिए गए। साथ ही घटना स्थल पर जिस कमरे में उपयोग हुआ वहाँ खून के छींटे पाए गए, डॉग ने भी उस जगह की पहचान की जा। इसके अलावा जो पूर्व संबंध थे उसकी जानकारी भी हमको पूछने के दौरान गया थी और प्रेम प्रसंग क्या कारण था।